फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर इकबाल मेमन को मेमन जमात के लोगों ने अपना मुखिया चुन लिया है। आपको बता दें कि ऑफिसर इकबाल मेमन बड़े ईमानदारी से 4 सालों से अध्यक्ष पद पर रहकर जनता व गरीबों की मदद करते आए हैं, इसलिए मेमन समाज ने इकबाल मेमन पर भरोसा करके उनको 4 साल के लिए वापिस अध्यक्ष पद पर चुन लिया है। इकबाल मेमन के अध्यक्ष बनने पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। क्या कहेंगे, किसको शुक्रिया अदा करें? शुक्रिया तो मैं मेरी कौम का शुक्रिया अदा करूंगा और सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा कि अल्लाह ने मुझे पसंद किया और अल्लाह ने मुझे बिठाया। उसके अलावा किसी की ताकत नहीं थी कि मैं बैठाऊँ। अल्लाह को मुझसे काम लेना है और अल्लाह ने मुझे इसीलिए तंदुरुस्त रखा है और इसीलिए मेरे को खड़ा किया है। हालाँकि थोड़े दिन पहले एक मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर तो डॉक्टर ने बिल्कुल खड़े रहने के लिए भी मना किया था, मगर ये मेरी माँ और बहनें यहाँ जो बैठी हुई, मेरी बच्चियाँ यहाँ बैठी हुई, मेरी कौम जो है 15 लाख मेमन हिंदुस्तान के और बाहर के, दुआएं किए, हर जगह दुआएं हुई, मस्जिदों में दुआएं हुई, सदके दिए गए, उसकी बदौलत हकीकत में मुझे ये दौलत नसीब हुई है और ये सिर्फ जो है इनकी दुआओं का नतीजा है। अल्लाह कुछ मुझसे बड़ा काम लेना चाहता है और इंशाल्लाह कुछ काम हम करके देंगे, मगर मेरी कौम का साथ मुझे चाहिए। अकेले के बस की काम नहीं है कि अकेला कोई आदमी काम ये कर सके। इसका सेकंड पार्ट उसके बाद खत्म करते हैं, क्या आगे, किस तरह आप और आगे ले जाएंगे? भाई हमारा सबसे बड़ा एम जो है ना, जो लेने वाला है उसको देने वाला बना दें। हमारी कौम जो है, हमको बड़ी शर्म आती है कि मेमन बरादरी मांगे, ये खुददार बरादरी है, देने वाली बरादरी है, ये बरादरी जो है वो देती है। एक तरफ मेमन बरादरी के पास करोड़ों अब्जों रुपया है, एक तरफ मेमन बरादरी के पास खाने के पैसे नहीं है, मकान नहीं है, शादियों के पैसे नहीं है, इलाज के लिए दवाई के पैसे नहीं है एक तरफ, तो वो उनको हम जो है ऐसे खुद कफील और उनको पांव पे खड़ा करना चाहते हैं कि वो कभी हाथ ना फैलाए और दूसरों को देने वाले बन जाए। ये हमारा एम है। जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान देना चाहते हैं, जिसके पास इलाज के लिए नहीं इलाज देना चाहते हैं, जिसके पास बच्चियों की शादी के लिए पैसे नहीं है उनकी समूह लगन के से शादियाँ करवाना हम चाहते हैं, ये मिशन हमारा है। इंशाल्लाह आप तमाम की दुआएँ, हमारे साथियों की दुआ, हमारी माँ बहनों की दुआ होगी तो इंशाल्लाह ये कामयाबी हमारी इंशाल्लाह कदम चूम के हमारे पास आएगी। शुक्रिया। एक बार भाई का तो बहुत काम पहले भी इन्होंने किए, बेलौस मोहम्मद से इन्होंने जमात के लिए काम किए हैं, बहुत एक्टिव थे, अपना तन मन धन सब वक्त दे दिया है यहाँ पर, तो उनको अल्लाह ने जजा दिया है और ईरानी में से आ गए, तो बड़ी बात है। और हम चाहते हैं कि उम्मीद रखते कि ये करते रहे, हमेशा हम्बल रहे और अपना काम करते रहे, और मुझे उम्मीद है कि इनका इखलाक, इनका किरदार ऐसा है कि वो ज़रूर करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह इनको कामयाबी दे। आमीन। अपनी मुबारकबाद पेश करती हूँ, और लोगों ने बहुत अच्छा एक डिसीशन लिया है कि इकबाल भाई को फिर से 4 साल के लिए रखें। अल्लाह करे वो हमेशा ही रहें प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्होंने मेमन समाज को इत्तेहाद की तालीम दी है जो बहुत ज़रूरी है। और एक शेर कहना चाहूँगी, मुत्तहिद होते, मुत्तहिद यानी एक साथ होते, मुत्तहिद होते तो ये दुनिया हमारे बस में थी, मुंतशिर होकर तो हम टूटी हुई जंजीर हैं। काम क्या है? मुझे लगता है शायद ये अल्लाह ताला ने उनको एक फरिश्ता ही मुकर्रर किया है कि खुद जो भी कुछ है इंसान के रूप में, हाँ वो तो अल्लाह ही और अल्लाह का रसूल ही समझता है, तो अगर जो उन्होंने काम किया है शायद ही कोई कर सकता है। और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत से कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, हाँ उससे भी ज़्यादा बढ़कर ही वो करेंगे और अच्छा ही करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही होगा, और ये मेरी दुआ है। इकबाल मेमन ऑफिसर, I am proud to say to all the Honar girls here that there is a reason for coming here for him. The thing is, for second time he has been chosen as the unopposed president of All India Memon Jamaat Federation. Not only that, today's event is the first event that he attended after getting after becoming president second time. And 500 Jamaats come under his, you know, leadership. Not only that, you know,
all over the world, you know. He has become so popular and he has taken part in bringing all the Memons together. Thank you very much.